हेलो गाइस, वेलकम फ्रेंड्स वन सेकेंड्स और न्यू वीडियो। गाइस, आज के इस वीडियो पे मैं आपको यहाँ पे माइक के ऊपर बात करने वाला हूँ। हाँ गाइस, अगर आप बिगिनर्स यूट्यूबर्स हैं या अभी अभी आपने चैनल को ओपन किया है या आप एक्सपीरियंस भी यूट्यूबर्स हैं, गाइस आपके लिए बेस्ट माइक जो है वो बोया का M1 माइक होने वाला है। काफ़ी ड्यूरेबल माइक है, यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे, ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे माइक लगा रखा है, ये है बोया का M1 माइक, ये देखिए। और यहाँ पे जो है ना, आपको एक फर्सा मिल जाता है, इससे जो है आपका विंड जो है काफ़ी, अगर हवा आ रही है तो ये रोक देता है, काफ़ी सारी डिस्टर्बेंस को रोक देता है, जैसे अगर आप सांस ले रहे हो या छोड़ रहे हो तो उसको भी यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है ये रोक देता है। अगर मैं नॉर्मली ऐसे बात करूँ और इसको लगा के बात करूँ तो आपको डिफ्रेंसेस ज़रूर देखने को मिलेगा। तो अभी मैं ऐसे बात कर रहा हूँ तो देखिए, अभी ये आप आवाज़ सुन रहे होंगे। अब मैं चलिए फर को लगा देता हूँ, और फर को लगाने के बाद आप यहाँ पे डिफरेंसेस देखने को मिल रहे होंगे, और यहाँ पे आपको एक क्लैंप मिल जाता है इसमें। और सबसे बेस्ट बात क्या है पता है इसका, काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है ये माइक जो है, काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है गाइस। अगर आप बिगिनर्स यूट्यूबर्स हैं और आपकी साउंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, तो गो फॉर द बोया M1 माइक। सस्ती है, सस्ते रेंज में मिल जाता है आपको, 700 से 800 के बीच में ऑनलाइन मिल जाएगा, इसको आप इजीली परचेज कर सकते हैं, यू कैन वियर इट दैट। गाइस, आज के इस वीडियो पे ना वही कवर करने वाले हैं कि बोया M1 माइक को आप जब लेते हैं तो उसमें क्या क्या कंटेंट मिलता है, तो अभी अनबॉक्सिंग पार्ट भी करेंगे हम। फिलहाल जो अभी यहाँ पे देख रहे होंगे, मैं बोया का M1 माइक लगा रखा हूँ। और गाइस, इसकी सबसे अच्छी बात क्या पता है, ये 20 फीट की लेंथ में मिल जाती है, इसकी वायर की लेंथ जो है 20 फीट है। यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ इस तरह से जो है अभी इसको मतलब लपेट के रखा हुआ है, क्योंकि मुझे अभी 20 फीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इसको आप 20 फीट तक यूज़ कर सकते हैं, इसको आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपके पास DSLR कैमरा है, काफ़ी दूर रखना पड़ता है DSLR कैमरा, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वायरलेस नहीं है, वायर वाला है, लेकिन इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी बेटर है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है टू ऑप्शंस, यहां पे अभी आप देख रहे होंगे, यहां पे आपको मिल जाता है टू ऑप्शंस, ये के यहां पे देख रहे होंगे, कैमरा और यहां पे स्मार्टफोन, यानी अगर आप इसको कैमरा मोड चलता है, ये चीज इसमें काफी अच्छा आपको देखने को मिलता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि कैमरा मोड में चलाते हैं तो ये बैटरी से यूज होती है, लेकिन अगर इसको आप स्मार्ट मोड में चलाते हैं तो ये बैटरी से यूज नहीं होती है, तो इसमें बैटरी का भी बचत हो जाता है, और इसमें छोटी सी सेल लगती है, जब सेल खत्म हो जाए तो आपको उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन गाइस, लेकिन साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा गाइस इसमें। सो गाइस, कुछ तो थे ये सारे डिफरेंसेस जो आपको बोया M1 माइक में मिलेगा, और साउंड क्वालिटी आप देख रहे होंगे काफी अच्छा आपको साउंड क्वालिटी देखने को मिला। अभी जो साउंड क्वालिटी देख रहे हैं ये बोया M1 माइक के साथ देख रहे हैं गाइस। अभी मैं इस लीड को बाहर कर देता हूं, अभी मैंने फोन पे लगा रखा है। हाँ गाइस, अभी जो मैं शूट कर रहा हूं ये अपने में फोन से ही शूट कर रहा हूं गाइस, मेरे पास भी अभी कैमरा नहीं है, मैं अपने सारे वीडियोस फोन से ही शूट करता हूं। बट गाइस, आप लोग सपोर्ट करेंगे, प्यार मोहब्बत करेंगे और इस चैनल को ऊपर निकालेंगे, तो मैं बहुत जल्द जो है एक DSLR कैमरा भी ले लूंगा, उससे मैं अपनी पिक्चर क्वालिटी को और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकता हूं गाइस। मेरे चैनल पे आपको YouTube रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं यार, बिगिनिंग से लेके एंड तक, स्टार्टिंग कैसे करनी है, अपने चैनल को कैसे कस्टमाइज करनी है, थंबनेल कैसे बनानी है, वीडियोस कैसे अपलोड करनी है, टाइटल कैसे लिखनी है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, एक सर्चेबल कीवर्ड हम कैसे लिख सकते हैं, वो सारी चीज जो है हमारे इस चैनल पे कवर की गई है गाइस। तो चलिए, मैं फिलहाल अभी जो है आवाज जो सुन रहे थे वो मेरे माइक्रोफोन के थ्रू सुन रहे थे, अब मैं अपनी लीड को बाहर कर देता हूं, यानी 3.5 mm की जैक को मैं बाहर, ये देखिए मैंने 3.5 mm की जैक को मैंने कर दिया है बाहर। और अभी जो आवाज सुन रही होंगे, ये जो आवाज है वो मेरे फोन के माइक से कवर हो रही है, तो अभी आप यहाँ पे मेजर डिफरेंसेस देखने को मिल रहा होगा, जो मेरी पहले आवाज थी और अभी जो आवाज है वहीं पे कहीं ना कहीं जो है आपको डिफरेंसेस देखने को मिल रहा होगा गाइस। सो अभी मैंने लगा दिया है लीड वापस, तो अभी आवाज देख रहे होंगे काफी अच्छा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा गाइस। और गाइस, फिलहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इस वीडियो को यार थम्स अप जरूर कर देना और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा गाइस। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो पे हम लाइक हम रख रहे हैं ओनली 1K, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 1K का लाइक हम तो जरूर दे देंगे और इस वीडियो को वायरल करने में भी कहीं ना कहीं आप लोग मदद जरूर करेंगे गाइस। तो चलिए फटाफट हम इसकी कंटेंट देख लेते हैं, अनबॉक्सिंग या रिव्यू और बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या कंटेंट मिलता है वो सारी चीज़ देख लेते हैं। देन ऑब्वियसली आप तो अभी तक समझ चुके होंगे इस माइक की क्वालिटी कैसी है, और सबसे अच्छी बात ना ये माइक की, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, इसको मैं काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ और मेरे अराउंड इसको यूज़ करते करते 3 इयर्स हो चुका है गाइस, और अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है, ना सेल चेंज करनी पड़ी है मुझे, सेल भी चल रहा है, और
वॉकिंग भी बहुत अच्छा कर रहा है, फाइन कर रहा है, बट थोड़ा सा आपको हैंडल केयर तो करनी पड़ेगी गाइज। अगर आप अच्छी तरह से हैंडल नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम्स तो होगी, क्योंकि जैक से वायर टूट जाएंगे या माइक से वायर टूट जाएंगे, लेकिन आपको इसको हैंडल करना बहुत जरूरी है। जब आपकी यूज़ खत्म हो जाए इसको अच्छे से लपेट के उसको पाउच में रख दीजिए। इसके साथ जो है आपको ये कैरी पाउच मिल जाती है, इस पाउच के अंदर इसको आप रख सकते हैं, तो इससे आपकी माइक काफ़ी ज़्यादा सेफ हो जाती है। तो गाइज चलिए हम फटाफट अनबॉक्स करते हैं, उसमें दिखा देते हैं आपको इस बॉक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट मिलता है गाइज। अगर आप इसको एम्पलीफायर में यूज़ करना चाहें तो वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। एक आपको 3.52 एम्पलीफायर पॉइंट का आपको एक जैक मिल जाता है, उसमें कन्वर्ट करके आप एम्पलीफायर में भी लगा के जो है इसमें वॉइस ओवर कर सकते हैं या कुछ बोल सकते हैं। जैसे कि आप डीजे वगैरह जहाँ पर चलता है वहाँ पर देखते होंगे कि आप बोलते हैं लोग, तो उसके लिए एक मोटी जैक होती है, तो वो भी कन्वर्टर आपको यहाँ पर मिल जाता है गाइज। तो चलिए फटाफट अनबॉक्स करते हैं। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं क्लोज व्यू पे, ठीक है। यहाँ से मैं आपको क्लोज व्यू पे दिखाऊंगा कि इसमें जो है देखो, मैं इसका ओपन करने के बाद एक इस तरीके से इसमें पाउच मिला है और काफी अच्छी क्वालिटी की पाउच है। इस पे आप इसको कैरी करके रख सकते हो, ठीक है। और इसकी मटेरियल की बात करता हूँ तो काफी अच्छी क्वालिटी दी गई है इसमें। तो ये जो आप देख सकते हो ना, यहाँ पे जो है ये बोया माइक है और इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है वायर की भी, और कंपनी ये दावा करती है कि इसकी जो वायर की लेंथ है वो करीब करीब 20 फीट लंबी है। एक जो ये रैपर मिला है इसके बारे में बताता हूँ। फिलहाल इसके साथ जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे जो है कुछ बोया की तरफ से मैनुअल मिल जाते हैं, मैनुअल को भी पढ़ लीजिएगा जब भी आप परचेस करोगे। और यहाँ पे साथ में आपको कुछ वारंटी कार्ड भी मिल जाता है। अब फिलहाल मैं चलता हूँ सीधा पॉज पे और यहाँ पे मैं आपको अनबॉक्स इसको निकाल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैं फिल्टर की बात करता हूँ, ये फिल्टर है और ये जो है क्लिप है, इसको आप कलर पे लगा सकते हो। इसको जो है ना यहाँ पे इसको स्लाइटली प्रेस करना है तो इस तरीके से फिट हो जाता है। और बाकी बात ये जो है फिल्टर है ना, इसकी काफी अच्छी फिल्टर दी है, काफी टाइट है और क्वालिटी भी अच्छी दी गई है। इसको इस तरीके से यहाँ पे लगाया जाता है, इससे क्या होता है ना जो भी आपकी नॉइज होती है ना, नॉइज क्लियर होकर आपकी रिकॉर्ड होती है। ये जो सेल है, इस सेल को जो है यहाँ से इसको ओपन करना है, इस तरीके से इसको ओपन करना है। जैसे ओपन करेंगे ना, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो बैटरी लगाने का ऑप्शन दिया गया, तो ये वाला जो हेड है ना, हेड को इस तरफ रखना है, स्प्रिंग साइड में फ्लैट पोर्शन रखना है कि प्लस किस तरफ होना चाहिए और माइनस किस तरफ होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। सो गाइज अभी तक आपने वीडियो में देखा कि ये बोया माइक कैसे काम करता है और कितनी अच्छी साउंड क्वालिटी में इंप्रूवमेंट कर देती है। अनबॉक्स भी आपने देख लिया, बॉक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट मिलता है वो भी आपने देख लिया। गाइज कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।